जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं द्रौपदी नंदा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मम्मी सब कर सकती है, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं आज फिर से सुहागले का वीडियो डालने जा रही हूँ। मैंने पिछली बार भी डाला था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो में, तो चलिए देखते हैं। नमस्कारम दोस्तों, जय माता की। ये सुहागले की पूजा है, शादी की सुहागले की। तो शादी की सुहागले में अनगिनत महिलाओं को बुलाया जाता है, एक आसन दिया जाता है और उनके पैरों को रंगा जाता है, फिर पूजा में बैठती हैं। फिर उस आसन से वो नहीं उठ सकती, उसी आसन में बैठकर उनको पूरा काम करना है, पूरी पूजा करना है और अपने आंचल में लेकर के प्रसाद को ग्रहण करना है और पूरी पूजा ख़त्म होते तक उस जगह से नहीं उठना है। तो पूजा हमारी शुरू हो चुकी है दोस्तों, सभी सामग्री में हम पूजा करने लगे हैं और सभी में अक्षत पानी शुद्ध जल छिड़क दिए हैं और फ्लावर भी चढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से हमारी पूजा चालू हो चुकी है। तो यह पूजा दोस्तों उस समय से मनाई जाती है जब सीता मैया अपने मायके आई थी राजा दशरथ के पास। तो राजा दशरथ ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटाए थे और सुहागले की ये रस्म चालू किए थे। उसी समय से ये सुहागले की पूजा की जाती है, शादी के बाद की सुहागले की। तो सभी सुहागने अपने पति की लंबी आयु के लिए ये वरदान मांगती हैं और इस पूजा को करने का बहुत ही नियम है दोस्तों कि जिस जगह में बैठे हैं उसी जगह में पूरी पूजा तक प्रसाद ग्रहण करने तक, क्योंकि जिस प्रसाद को चढ़ाते हैं हमको उसी प्रसाद को वहीं पर बैठे बैठे ग्रहण भी करना होता है। और इसकी पूजा का प्रसाद अपने पति को और लड़के को देने का रिवाज है। अगर हम कन्या को प्रसाद देते हैं तो हमको एक सुहागले करानी पड़ती है और प्रसाद को भी अच्छी तरह से रखकर खाना चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए, उससे भी सुहागले करानी पड़ती है। और पूजा के बाद भजन कीर्तन भी ज़रूर करना चाहिए, हो सके तो रात्रि जागरण भी करना चाहिए और विसर्जन भी विधिवत, विसर्जन की पूजा भी मैं इसमें दिखाऊंगी। तो इस प्रकार से पूरी पूजा करनी चाहिए और महिलाओं को बुलाते हैं आमंत्रण करके, उनको प्रसाद भी भंडारा के रूप में खिलाना चाहिए। इस प्रकार से ये सुहागले की पूजा होती है। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो में, मैं आगे पूरी पूजा दिखाने वाली हूँ, स्किप्ट नहीं कीजिएगा ताकि आप पूरी पूजा देख पाएँ। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ चुनैया मुनैया की। तो इसमें दोस्तों दो भाई बहन थे, एक बहन एक भाई। तो दोनों का बहुत ही अच्छा उनके भाई बहन के प्रेम में लगाव था। तो भाई की शादी लग चुकी थी, लगन हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा चिंतित में रहते थे कि मैं जब शादी करने जाऊं तो मेरी चुनैया मुनैया की देखभाल कौन करेगा। तो बहन कहती हैं कि भाई आप बारात लेकर जाएं, मैं आपकी चुनैया मुनैया की देखभाल करूंगी। भाई की बारात चली जाती है और चुनैया मुनैया की देखभाल वो डेली करती हैं। तीसरे दिन जाके देखती हैं, एक दिन उनने दाना पानी नहीं दिया तो उनकी चिड़ियाँ कुछ मुरझा गईं, तो वो चिंतित हो गईं। अब कहती हैं कि अवसान बीबी माता, ये चुनैया मुनैया को जिंदा कर दो तो मैं आपकी सुहागली कराऊंगी। तो जैसे ही वो अवसान बीबी माता को बोलती हैं तो चिड़ियाँ उनकी जिंदा हो जाती हैं और अब देखती हैं कि घर में चने भुने हुए नहीं थे, तो वो चने लेकर के अपने गेट के पास आ जाती है और देखती है कि किसी से मैं गांव में चने भुनवा कर बुला लूँ। तो वहाँ से एक बारात गुजरती है तो बारात वाले भैया को बोलती है कि भैया थोड़ी देर लगेगा, मेरे चने को भुनवा कर ला दो। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम बारात में जाएंगे कि तुम्हारे चने भुनवाएंगे, इस प्रकार से उन्होंने मना करके चले गए। फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद एक शव लेकर आते हैं मुर्दा,
तो उनको भी इसी तरह से वह बोलती है, तो उनके मुर्दे को वो वहीं गेट के पास रोक देते हैं और चने भुनवाने चले जाते हैं। जैसे जैसे चने भुनते हैं वैसे वैसे उनका मुर्दा जिंदा होते होते उठ के खड़े हो जाते हैं, और जैसे चने उनके पास आते हैं तो वो मुर्दा चलने लगता है। तो वो कहती हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरे चने भुन गए। और फिर वो चने भुनवाने वाले वो भी बोलते हैं कि बहन आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कि हमारे मुर्दे जिंदे खड़े हो गए इस प्रकार से। तो वो कहती हैं मैं क्या जानूँ, जाने ओशान बीबी माता। तो वो इस प्रकार से पूरी कहानी सुनती हैं, वो भी उस कहानी को सुनकर चले गए। कहते हैं हम भी सुहाग लेकर आएंगे। फिर इसके बाद में मुर्दे वाले वापस आते हैं, वो उनको फिर बोलती हैं कि आपने तो मना कर दिया था। तो वो कहते हैं कि हमारा दूल्हा मुरझा गया, बहन आपने क्या कर दिया, हमारे यहाँ का दूल्हा मुरझा गया है। तो वो कहती हैं मैं क्या जानूँ, वो जाने ओशान बीबी माता, आप एक काम करो ओशान बीबी माता का नाम लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी ओशान बीबी माता का नाम लिए और बोले कि सुहाग लेकर आएंगे शादी के बाद। तो वो उनका दूल्हा भी जिंदा हो जाता है और दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। वो भी बारात चली जाती है, बहू को लेकर आ जाती हैं, और इस प्रकार से भाई की बारात भी वापस आ जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ओशान बीबी माता की पूजा वो सब मिलकर एक साथ पूरे गांव में ढिंढोरा पीटते हैं और पूरे गांव के मिलकर के ओशान बीबी माता की पूजा करते हैं। बोलो ओशान बीबी माता की जय। इस प्रकार से ओशान बीबी माता की पूजा होती है। कुछ लोग ओशान बीबी माता बोलते हैं, कुछ लोग शंकटा माता बोलते हैं, कुछ लोग दुर्दुरिया पूजा बोलते हैं। तो वो सभी एक ही चीज़ का महत्व होता है, ये बहुत महत्व से मनाया जाता है अपने इंडिया में, ये इंडिया की पूजा है। तो सब मिलकर के इस पूजा को करना चाहिए दोस्तों, बहुत ही लाभ मिलता है, सच्ची भावना से ये पूजा करनी चाहिए। और जब नई बहू आती है तो नई बहू के लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे यहाँ भी नई बहू आई है, उसी की पूजा ये हुई है। तो सभी महिलाएं मिलकर नई बहू को आशीर्वाद देती हैं और नई बहू के लिए लंबी आयु का वरदान भी मांगती हैं, और नई बहू भी अपने पति के लिए आशीर्वाद मांगती है। इसी प्रकार से ये नई बहू की पूजा कहलाती है। तो बोलो शंकटा माता की जय। अब हमारी कथा पूजा हो चुकी है। कथा पूजा के बाद विधिवत आरती कर लेनी चाहिए। माता रानी की पूजा हो गई है, माता रानी का विसर्जन हम करेंगे। विसर्जन गीत गा रहे हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा, और छोटी सी बेल आइकन रहती उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।